पब्लिक कह रही थी कि मियाँ साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। तो मियाँ साहब ने खुद ही कह दिया है, गल तुसी मैनू पहले भी कहते सो, जो मैं पीछे मुड़ के वेखिया तो कोई भी नहीं सी। आप लोगों ने जो एक सुप्रीम कोर्ट की पावर को मैं कर्टेल करना बोलूं या यूं बोलूं कि उसको आपने बेहतर तरीके से करने के लिए एक बिल पास किया रिव्यू एंड जजमेंट्स वाला, जो उन्होंने उड़ा के रख दिया। उन्होंने कहा ये जी तुसी जा रहे हो तो तुहाड़े जान तो पहले ऐ पिया जी सरप्राइज। तो मुझे बताएं कि उसके बाद तो नवाज शरीफ साहब की वापसी के कोई चांसेस नहीं है, तो आपके अपने वजीर साबिक वजीर कह रहे हैं, तो ये कैसे हो गया है? अब आप क्या करेंगे? नवाज शरीफ साहब इज नॉट कमिंग बैक टू पाकिस्तान, इज इट? देखो जी गल है कि अनफॉर्चुनेटली जो पार्लियामेंट फैसला कर दिए तो तुसी बड़े सवाल कर दे हो। आज सवाल करके बखाओ, कोई बखा सकता? नहीं सर, मैं कीता है ना मैडम, मैं कीता है। यही जवाब, दिस इज जवाब है ना। देखो देखिए जी, I'm talking about, this is exactly what I'm talking about. You and me are on the same page. आज पार्लियामेंट को सबसर्वेंट बना दिया गया ऑनरेबल जुडिशरी के सामने, तो ये क्या आपको क्या इंडिकेट करता है कि पार्लियामेंट कभी भी सुप्रीम नहीं है? पार्लियामेंट की डिसीजंस कभी सुप्रीम नहीं है, द विल ऑफ द पीपल कभी सुप्रीम नहीं है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की कोई सॉरी औकात नहीं है कि आप जो है अपना फैसला एकदम जो है वो कर दें और उसको जो है इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, कि पार्लियामेंट के ऊपर उसको जो है फौकियत दे दी जाए। मैं समझती हूँ ये गलत बात है, तो इसको ये गलत प्रेसिडेंट सेट कर रही है और ऐसा होना नहीं चाहिए। सुप्रीम हर मुल्क में जो है पार्लियामेंट सुप्रीम समझी जाती है, आपके नेबरिंग मुल्क में पार्लियामेंट। यानी यू आर नॉट गोइंग टू टेक दैट रिस्क। मैं दूसरा आपके सवाल का जवाब, दूसरा सवाल का आपका जवाब, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब तभी आएंगे जब ये कानूनी लकूनों में उनको फंसाना बंद किया जाएगा और गलत केसों में जो उनकी सजा हुई थी उसको जो है वो खत्म किया जाए और वो मियां साहब जो हैं वो हम आएंगे और इलेक्शन जो है बाखूबी तौर पे लड़ा जाएगा। वैसे एक और भी मुझे बड़ी अजीब सी बात लगी है कि क्या डर है कोई किसी इंस्टीट्यूशन को कि मियां नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं? यही डर है ना कि भरपूर तरीके से वापस आएंगे और भरपूर तरीके से जो है अवाम में इलेक्शन लड़ेंगे और भरपूर तरीके से जीत के प्राइम मिनिस्टर दोबारा बन जाएंगे। इस्तकबाल की तैयारी कर रहे हैं आप? सामने जाहिर है, बिल्कुल हमारी इस्तकबाल हर वक्त हमारी ये दुआ है और इस्तकबाल की तैयारी है। आपको याद है एक जलसे में माजा अमीन साहबा, वो नवाज शरीफ साहब के खुद के ये कलमात है, ये मेरे नहीं है, मैं बता रही हूँ, सिर्फ कोट कर रही हूँ, कि वो पब्लिक कह रही थी कि मियाँ साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। तो मियाँ साहब ने खुद ही कह दिया है, गल तुसी मैनू पहले भी कहते सो, जो मैं पीछे मुड़ के वेखिया तो कोई भी नहीं सी। लेकिन आई होप कि इस बार नहीं होगा। माजा अमीन साहबा, वाकई आप लोग सितंबर में जो तब्दीली है, वो वाली तब्दीली नहीं, ये वाली तब्दीली, उसका ही वेट कर रहे हैं कि वो जाएंगे तो फिर मियाँ साहब आएंगे? देखिए मैं आप ट्रोलिंग की बात कर रही थी, मुझे हंसी आ गई। मैं कह रही थी और जो वो ट्रोलिंग वाली पार्टी से जेड़ी वो जेल च है, जो उन्होंने तो मुक्कू टपया तुसी, पार्टी थी वो तो जेल में। हाँ जी, वो पंजाबी में कहते ना मुक्कू टपना, ऑनलाइन पार्टी तो बस उसी वो उन्होंने अपना खुद छपया है। तो बात ये है कि देखिए सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि फिर पंजाबी पंजाबी में चले जाएंगे हम। बात यह कि देखें ये इशू जो मियाँ साहब का है वो तो देखें, जो आप कह रही हैं कि उनके जो भाई ने वेलकम, उनका वेलकम तो देखें मैं यही कहूंगी कि जब इंस्टीट्यूशंस और जो इदारे हैं और जो पॉलिटिकल उस वक्त के जो लोग हैं वो जो है इंतकामी सियासत में आए हों और एक मुंतखब प्राइम मिनिस्टर और उसकी बेटी को जो है वो जेल में लेके जाने के लिए तैयार हों, और वो मियाँ साहब भी इस तैयारी से ही आए थे अपनी बीवी को छोड़ के। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि शेर उस वक्त ही आया था कि उसे पता था कि उसको जेल में कर लिया जाएगा और गलत किया जाएगा, तो इसमें डर वाली बात नहीं है, कोई इशू ऐसा नहीं है। बस वो ये मियाँ साहब जो है सितंबर में इंशाल्लाह आएंगे और इंशाल्लाह भरपूर तरीके से पार्टी की चले, आई होप के पार्टी को लीड करेंगे। आई होप के मियाँ साहब, मैडम खत्म हो गया है, ये कहना चाहती हूँ कि शेर एक बार फिर आएगा, चाहूंगी वक्त खत्म हो गया मियाँ साहब। अनवारुल हक काकड़ साहब इसलिए डिफरेंट हैं तारीख में क्योंकि ये वो निगरान वजीर आजम है कि जिनके आने से पहले अमेंडमेंट्स की गई हैं बकायदा, तो उनको उनके इख्तियारात जो बाकी गुज़श्ता माजी में हमने देखे निगरान वज़ीरे आज़म उनसे ज़्यादा भी हैं और मुख्तलिफ भी हैं। और इसमें ज़ाहिर है कि आप लोगों की जमात ने बहुत ज़्यादा
किरदार अदा किया है। तो मुझे बताएं कि एक तरफ तो आप कह रहे हैं इलेक्शन वक्त पर होंगे, हो सकता है नवंबर में हो जाएं, तो जितने तो इख्तियार आपने दे दिए हैं, इसके बाद तो कोई चांस नहीं बन रहा है कि वक्त पर होंगे? देखिए, सबसे पहले तो जो आपने एक सवाल पूछा है पहले उसकी तरफ मैं आऊंगी। ये जो आप कह रही हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो, देखिए अगर प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो एक जज होते ऑनरेबल, अगर प्राइम मिनिस्टर कोई ब्यूरोक्रेट होते और अगर कोई प्राइम मिनिस्टर टेक्नोक्रेट होते तो हमें कोई इतराज़ नहीं होना था या हमने ये सवालात जो हैं वो नहीं उठाने थे कि एज टू वाई वो जो हैं एक निगरान वजीर आजम बने हैं या कोई रीज़न क्या है। लेकिन अब पॉलिटिकल एक पर्सनालिटी हैं जो पार्लियामेंट का हिस्सा रहे हैं, जिन्हें जो एक कॉन्स्टिट्यूएंशियल पॉलिटिक्स करते रहे हैं, तो वो जो है वो निगरान वजीर आजम बने हैं। तो आई थिंक ये बड़ी खुशाइन बात है पीडीएम की तरफ से जो नाम दिया गया है, इसमें खुशाइन बात यह है कि देखें वजीर आजम ऐसे होने चाहिए निगरान, जिनको पता हो कि जब वो अपनी निगरान वजीर आजम से जो है वो उदे से जाएंगे तो उनको वापस जो है आवाम में जाना पड़ेगा और उनको भी उनसे भी जो है वैसे एक नाम आपकी पार्टी से बड़ा अच्छा था जो अक्सर मीडिया पर्सन भी उसको ओबलाइज कर रहे थे और वो शायद खाकान अब्बासी साहब का भी था, बंदे वो भी बड़े तगड़े थे मायजा मीर साहबा। नहीं, शायद खाकान अब्बासी साहब तो एक पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं और वो फिर जो है एक ऐसा एक तासुर जाना था साहब भी करते थे पीएमएलएन ने। नहीं, मैं उधर जा पीएमएलएन ने एक खाकान साहब को बना दिया, उसके बाद जो है पीएमएलएन के इंटरेस्ट को लुक आफ्टर करेंगे। ये एक ऐसी पार्टी से हैं और एक ऐसी ऐसा नाम है जो एक यूनिक तरीके से, इसलिए मैं इसको समझती हूँ पॉलिटिकल एक्यूमन मेरी ये कहती कि ये देखे ना, ये किसी को पीडीएम की पार्टीज को जो ऑपोजिशन लीडर है उनको किसी को इनके नाम पे एतराज नहीं था ठीक है कोई खास। तो मैं ये समझती हूँ कि ये ना जरा मिडिल में ये नाम आया कहाँ से था मायजा मीर साहब, ये नाम आया कहाँ से था? देखिए, नाम तो वो पार्लियामेंट का हिस्सा हैं, हमने पहले कहा था, ये हिंट भी किया जा रहा था कि सियासी पार्टी से जो एक बड़ा आपने मुस्कुरा के रुक के गाया कि पार्लियामेंट का हिस्सा थे, वो तो हमें भी पता है। नहीं, मैं मुस्कुरा के इसलिए कह रही हूँ कि देखिए ना, ये मुस्कुराहटें, ये शक व शुबात तब नहीं सामने आते जब कोई टेक्नोक्रेट होता है, ब्यूरोक्रेट होता है, कहीं से आता है, ये सवाल भी नहीं पूछा जाता कि ये कहाँ से आए हैं, किसकी किस वजह से आए हैं। देखें, और लेकिन आज जो है पॉलिटिकल एक सियासी बंदे को जो है निगरान वजीर आजम बनाया गया है तो ये सवालात उठ रहे हैं कि जी ये कहाँ से आए हैं। भाई पार्लियामेंट से आए हैं, पार्लियामेंट का हिस्सा रहे हैं, सियासी पर्सनैलिटी हैं, अगर और जो है किसी 13 पार्टी जो हैं पीडीएम की उनको एतराज़